बेहया औरत कैसे बेशर्मों की तरह सो रही है हमारी इज्जत को तार तार करके। दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिव और अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता राहुल वोहरा की रविवार 9 मई को मौत हो गई। फेसबुक पर बड़े पैमाने पर 1.9 मिलियन फैन रखने वाले अभिनेता ने एक दिन पहले उचित उपचार नहीं मिलने की बात करते हुए हताशा भरा संदेश लिखा था। फेसबुक पर पीएम मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टैग करते हुए एक पोस्ट में अभिनेता ने लिखा, अगर मुझे भी इलाज अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता, तुम्हारा राहुल वोहरा। इसके बाद अभिनेता ने अपने उम्र, नाम और अस्पताल के पते संबंधी जानकारी लिखी थी। उन्होंने आगे लिखा, जन्म जल्द ही लूँगा और अच्छा काम करूँगा, अब हिम्मत हार चुका हूँ। यहाँ राहुल ने इससे पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपनी असहाय अवस्था जाहिर करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन बेड के लिए अनुरोध किया था। उनका ऑक्सीजन स्तर तेजी से गिर रहा था। उन्होंने लिखा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। अभिनेता ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ और एडमिट हूँ लगभग 4 दिन से, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ ऑक्सीजन बेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। अभिनेता ने अपनी दयनीय अवस्था बताते हुए आगे लिखा था, मैं बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले कुछ संभाल नहीं पा रहे। थिएटर निर्देशक नाट्यकार अरविंद गौड़ ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट में राहुल की मौत की खबर की पुष्टि की। हिंदी में लिखी गई एक पोस्ट में अरविंद ने लिखा, वह राहुल चला गया है, मेरी प्रतिभाशाली अभिनेता अब नहीं रहा। कल ही उसने कहा था कि अगर उसका उचित इलाज हो जाता तो उसकी जान बच जाती। आप देख रहे थे समाचार नगरी।